आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ में श्वेता गर्ग और आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। आइए नजर डालते हैं उत्तर प्रदेश की कुछ खास खबरों पर। उत्तर प्रदेश में चुनाव आयोग में आचार संहिता का जैसा ऐलान कर दिया गया है, वैसे ही लखनऊ, उन्नाव सहित देश प्रदेश के कई जिलों में अफसरों ने इलेक्शन कमीशन के आदेशों का पालन कराने की कमर कस ली है। आचार संहिता की तारीखों का ऐलान होते ही अफसर सड़क पर निकले हैं और राजनीतिक पार्टियों के होर्डिंग बैनर को उतरवाने के लिए तेजी से काम कर रहे हैं। जहां पर भी राजनीतिक पार्टियों के होर्डिंग लगे हैं, उन होर्डिंग और पोस्टर को पुलिस और नगरपालिका के कर्मचारियों की मदद से उतरवा दिया है। साथ ही हिदायत दी है कि किसी भी तरह की कहीं पर भी अब होर्डिंग पोस्टर नहीं लगेंगे। देखिए, आज दिनांक 8 जनवरी 2022 को भारत निर्वाचन आयोग द्वारा 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव के लिए अधिसूचना जारी कर दी गई है। अधिसूचना जारी उपरांत होने के उपरांत आदर्श आचार संहिता के अनुपालन के अंतर्गत जो भी संबंधित कार्यवाहियाँ हैं वो की जा रही हैं, और जो 24 घंटे का प्रोटोकॉल है, 48 घंटे का और 72 घंटे का जो प्रोटोकॉल है उसका पालन किया जा रहा है। अभी चुनाव आयोग द्वारा विस्तृत चुनाव कार्यक्रम की घोषणा के साथ ही आदर्श आचार संहिता लागू हो गई है, तो इसके क्रम में आज घोषणा होते ही आचार संहिता लागू हो जाती है। इस क्रम में हम लोगों ने जितने राजनीतिक दलों के बैनर, पोस्टर, होर्डिंग या वॉल राइटिंग है, ये सब हम 24 घंटे के अंदर हमें हटाना होता है, उसी के तहत ये कार्रवाई शुरू की गई है। ये हम सारी विधानसभा क्षेत्र में अपने 204 औरैया में ये करा रहे हैं, टीम लगा के अलग अलग ग्रामीण इलाकों के लिए। खंड विकास कार्य एडीओ पंचायत, तो हमारे लेखपाल वहाँ पे अपनी टीम के साथ रह के सारे इस तरह के डिफेसमेंट के जितने हैं सब हटवाएंगे। भारत निर्वाचन आयोग ने चुनाव की घोषणा कर दी है और उन्होंने आदर्श आचार संहिता भी लागू कर दी है। माननीय भारत निर्वाचन आयोग के आदेश के अनुपालन में ये होर्डिंग वगैरह हटवाई जा रही है। आदर्श आचार संहिता में जो भी होगा वो भारत निर्वाचन आयोग ने जो गाइडलाइन जारी की है उसी के अनुसार हम लोग उसका अनुपालन करेंगे। 3:30 बजे चुनाव आयोग की घोषणा के अनुसार आज से इलेक्शन डिक्लेयर हो गया और आदर्श आचार संहिता आज से लागू हो गई। इसमें जो होर्डिंग्स हैं, बैनर्स हैं और वॉल पेंटिंग है, सरकारी बिल्डिंग, प्राइवेट, तो सारे हटाए जाएंगे। यदि किसी गाड़ी पर भी किसी पार्टी का चिन्ह है तो उसके खिलाफ भी कार्रवाई होगी और उसके खिलाफ NCR लिखी जाएगी और उसको आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन माना जाएगा। ये आज माननीय निर्वाचन आयोग द्वारा जैसे ही चुनाव की घोषणा होती है तत्काल प्रभाव से आचार संहिता लागू हो जाती है। उसी क्रम में ये जितने भी बैनर, पोस्टर, झंडे लगे हैं राजनीतिक पार्टियों के, इनको आदर्श आचार संहिता का पालन कराते हुए हटाया जा रहा है और माननीय निर्वाचन आयोग के आदेशानुसार अग्रिम सारी तैयारियां समय से कर ली जाएंगी। हाँ जी, आचार संहिता अभी 3:30 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस में अनाउंस किया गया। उसके तहत हम लोग कस्बे के जो भी पोस्टर इत्यादि राजनीतिक पार्टियों के लगे हुए हैं उसे मेरी पूरी टीम नगर पंचायत के साथ हटवाई मतदान निष्पक्ष शांतिपूर्वक कराऊंगा, यही आप लोगों से भी उम्मीद करूंगा कि आप लोग मेरा सहयोग। उत्तर प्रदेश में आचार संहिता की घोषणा होते ही औरैया के DM व SP अलर्ट मूड पर दिखाई दिए। वहीं आपको बता दूं, शहर के सुभाष चौराहे पर जितने भी राजनीतिक होर्डिंग लगी हुई थी पालिका कर्मचारियों द्वारा उतरवाया गया। आपको बताया यहाँ पर पुलिस बल भी काफ़ी मौजूद रहा और सुरक्षा व्यवस्था को पुख्ता इंतजाम किए गए। इन तस्वीरों में आप साफ देख सकते हो किस तरीके से हमारे पालिका कर्मचारी द्वारा होर्डिंग व बैनर उतार रहे हैं। कुछ होर्डिंग अभी भी लगी हुई है, उनको भी उतारने का प्रयास बराबर किया जा रहा है। वहीं प्राइम TV के लिए जाहिद अख्तर की रिपोर्ट औरैया। खबर लखनऊ से है, जहां निषाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष संजय निषाद ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए सपा सरकार पर जमकर निशाना साधते हुए कहा कि पिछली सरकार ने वोटरों को गुमराह करने का काम किया है, जबकि आगामी 2022 चुनावों में NDA के साथ मिलकर निषाद पार्टी सरकार बनाएगी क्योंकि निषाद पार्टी समाज के हित में काम करती है। खबर लखनऊ से है, जहां प्रधानमंत्री की सुरक्षा में हुई चूक को लेकर भाजपा हिस्सेदारी मोर्चा गठबंधन ने भाजपा के प्रदेश कार्यालय पर दुर्गा के मंदिर में भाजपा हिस्सेदारी मोर्चा के संयोजक केवट रामधानी बिंद के नेतृत्व में घटक दलों के पूजा अर्चना करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की दीर्घायु की कामना की। इस दौरान भाजपा हिस्सेदारी मोर्चा गठबंधन के संयोजक और भारतीय मानव समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष केवट रामधानी बिंद और प्राइम TV से खास बातचीत की। इस दौरान उन्होंने क्या कुछ कहा, चलिए आपको सुनाते हैं।
मैं मौजूद हूँ उत्तर प्रदेश के जो प्रदेश कार्यालय है वहाँ वहाँ प्रधानमंत्री की दीर्घायु के लिए जो सुरक्षा में चूक हुई है तो उनकी दीर्घायु के लिए उम्र में उनकी उम्र बढ़ने के लिए यहाँ भागीदारी जो हिस्सा है वो मोर्चा है गठबंधन का जो भाजपा के साथ है उनके द्वारा पूजा अर्चना का कार्यक्रम रखा गया है। इस दौरान हवन भी किया जाएगा केवट रामधनी बिंद के द्वारा ये नेतृत्व में इस कार्यक्रम को रखा गया है। आप देख सकते हैं कि यहाँ लोग हाथ में अगरबत्तियाँ लिए हैं और मिठाइयाँ रखी हैं जिसमें प्रधानमंत्री की तस्वीर भी लगाई गई है। आपको बता दें कि ये भाजपा कार्यालय का दुर्गा मंदिर है और यहाँ पे भाजपा के जो हिस्सेदारी मोर्चा गठबंधन के पदाधिकारी हैं उनके द्वारा प्रधानमंत्री की दीर्घायु के लिए उनकी उम्र को लेकर और उनकी सुरक्षा को लेकर यहाँ पे पूजा अर्चना की जा रही है। इसी दौरान आइए हम कुछ लोगों से बात करते हैं और जानते हैं कि आज का ये जो पूजा अर्चना है इसका क्या विशेष रूप रखा गया, किस लिए रखा गया। अच्छा, अपना नाम बता दें। मैं केवट रामधनी बिंद, भारतीय मानव समाज पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष और हिस्सेदारी मोर्चा भाजपा गठबंधन का मैं संयोजक हूं। आज जो माननीय प्रधानमंत्री जो हमारे देश के हैं 130 करोड़ जनता के दिलों में बसते हैं और जो इनके साथ दुर्व्यवहार या चाहे पंजाब में जब वो अपनी रैली करने गए थे जो पंजाब की कांग्रेस गवर्नमेंट की जो सरकार है जिन्होंने चूक किया, मुझे नहीं लगता चूक नहीं हो एक साजिश के तहत मतलब वो जानबूझ के कांग्रेस गवर्नमेंट जो चन्नी की सरकार है सोनिया गांधी के इशारे पे उन्होंने यह काम किया। मतलब क्योंकि देश का प्रधानमंत्री किसी पार्टी का नहीं होता, वह पूरे देश के जनप्रतिनिधि का नेतृत्व करते हैं। इसलिए माननीय प्रधानमंत्री का जो अपमान हुआ है जो या उनकी सुरक्षा में चूक हुआ है आने वाले भविष्य में सभी VVIP जितने हमारे गेस्ट उनके लिए कहीं ना कहीं खतरे की घटना होती है। हम मैं हिस्सेदारी मोर्चा भाजपा गठबंधन की तरफ से मेरे सभी साथियों की तरफ से मैं चन्नी सरकार का इस्तीफा मांगता हूं और तत्काल वहां राष्ट्रपति शासन भी लगाई जानी चाहिए और उसका अच्छे से मतलब पूरी मतलब उसमें कोई हवा हवाली नहीं होनी चाहिए, उसकी निष्पक्ष जांच करके कड़ी से कड़ी दोषियों को सजा भी मिलनी चाहिए। तो इस वक्त हम मौजूद थे भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश कार्यालय पे जहां हिस्सेदारी मोर्चा के द्वारा प्रधानमंत्री की उम्र के दीर्घायु के लेकर यहां पूजा अर्चना और हवन कार्यक्रम किया जा रहा था। रामधनी बिस्त से खास बातचीत में उन्होंने बताया कि हम 25 सीटों में जो उत्तर प्रदेश की 403 विधानसभा सीटें हैं उसमें 25 सीटों पे हमारी बात बनती हुई दिख रही है। कैमरामैन दीपक के साथ विभांशु, प्राइम टीवी। खबर बुलंदशहर से है जहां भाजपा विधायक देवेंद्र लोधी के बयान पर ग्रामीणों ने विधायक विरोध करते हुए पुतला जलाया गया है। इस दौरान ग्रामीणों ने कहा भारतीय जनता पार्टी विधायक देवेंद्र लोधी की निजी पार्टी नहीं है, जो स्थानीय विधायक लगातार भाजपा कार्यकर्ताओं का अपमान करते हैं। विधायक देवेंद्र सिंह लोधी जी ने अभी एक अपमानित जनक भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता रहे योगेश राज जी को कहा है कि योगेश राज भारतीय जनता पार्टी का कोई कार्यकर्ता नहीं है, ना ही वो कोई भारतीय जनता पार्टी का नेता है। जबकि देवेंद्र लोधी जी को ध्यान में आना चाहिए कि योगेश राज जी ने अभी जिला पंचायत चुनाव जीता था, उन्होंने सबसे पहले अपना वोट भाजपा समर्थित अंतुल तेवतिया जी को किया था। देवेंद्र लोधी जी को ये आपत्तिजनक जो इन्होंने टिप्पणी की है, एक तरफ बात कर रही है भारतीय जनता पार्टी की हमें यूपी को सबसे फर्स्ट नंबर पे कैसे लाया जाए, एक तरफ देवेंद्र सिंह लोधी जी अपने कार्यकर्ताओं का कर रहे हैं अपमान। खबर प्रतापगढ़ से है जहां सपा ज्वाइन करने के बाद पहली बार अपने गृह जनपद पहुंचे पूर्व विधायक बृजेश सौरभ। इस दौरान पूर्व विधायक ने लोहिया तिराहे पर डॉक्टर राम मनोहर लोहिया और डॉक्टर अम्बेडकर की प्रतिमा पर माल्यार्पण करते हुए भाजपा सरकार पर जोरदार हमला बोलते हुए कहा कि भाजपा सरकार में प्रतिभाओं का हनन किया जाता है और मान सम्मान के साथ खिलवाड़ किया जाता है। ये तो खैर आपने प्रश्न कर लिया। तो जब भी कोई घर छोड़ा जाता है या कोई भी छोड़ता है तो निश्चित तौर पर कोई ना कोई उपेक्षा, अपमान और एक ऐसा व्यवहार, ऐसा माहौल बनाना जिसमें प्रतिभाओं को ख़त्म करना और ऐसे लोगों को यहाँ पर आप थोपना जो कि नीति संगत नहीं था। जब प्रतापगढ़ में
किसी मुद्दे पर प्रतापगढ़ की अस्मिता और पहचान पर प्रश्न आया था तो मैंने विरोध किया था। लोग उसको मानते थे कि हमने उनकी नीतियों के विरुद्ध काम किया, इसलिए मैंने घर छोड़ दिया। सन्यासी का जो काम होता है वो उसी को सुहाता है। प्रतापगढ़ जैसे ऐतिहासिक जनपद जहाँ पर आज़ादी की लड़ाई की शुरुआत हुई थी, किसान आंदोलन शुरू हुआ था, जहाँ पर सुमित्रानंदन पंत और राजा रामपाल जैसे की धरती जहाँ अलख जगाई गई थी आज़ादी की, उस जिले में अगर उस व्यक्ति का नामकरण कर दिया जाए मेडिकल कॉलेज का जिसका इस धरती से ना कुछ लेना देना हो, ना पैदा हुए हों, ना उनका जन्म हो, ना मृत्यु हो, ना यहाँ पर जनप्रतिनिधि के तौर पर कभी कहीं ग्राम प्रधान BDC या किसी ग्राम सभा का सदस्य भी जो व्यक्ति न बना हो, उसको सिर्फ कुछ चंद वोटों के खातिर उसके नाम प्रतापगढ़ कर दिया जाए, मैंने इसका विरोध किया था कि यह स्वीकार नहीं है। मऊ जिले के सोनीधापा के मैदान में जिला अध्यक्ष और शहर अध्यक्ष कांग्रेस कमेटी की ओर से प्रतिज्ञा सम्मान संकल्प सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि डॉक्टर जनक कुशवाहा प्रदेश सचिव कांग्रेस कमेटी ने जनसमूह को संबोधित किया। संबोधन में उन्होंने भाजपा, बसपा व सपा पर जमकर बरसे। वहीं उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री योगी नहीं धोनी है, तो वहीं प्रधानमंत्री पर तंज कसते हुए कहा कि प्रधानमंत्री के दो करीबी हैं अंबानी और अडानी, जिनका इनकम टैक्स पर पड़ रहा है जहां बाकी सबका घट रहा है, वह अपने को हाईलाइट करने के लिए कलाकार हैं। ये कार्यक्रम में आज मैं मऊ को पूरी तरह से देख रहा हूँ, चारों विधानसभा का, लेकिन यहाँ पर आज सम्मेलन हुआ। सम्मेलन के साथ हम लोग की उद्घोषणा है उत्तर प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है, उस तहत में हम चारों विधानसभा मऊ की जीतने जा रहे हैं और इसी को लेकर हम अपने कार्यकर्ताओं से विचार विमर्श करके, अपने वर्करों का एक सम्मेलन करके हम लोग यह संदेश दे रहे हैं। ये आज मेरा दूसरा सम्मेलन था, अभी दो सम्मेलन घोसी का और मोहम्मदाबाद का बाकी। ये प्रतिज्ञा सम्मेलन हमारा था और जैसा कि उत्तर प्रदेश में सभी जनपद में चल रहा है और बारी बारी जैसे क्रमबद्ध 6 तारीख, 8 तारीख, 10 तारीख ऐसे करके 12 तारीख हर विधानसभा में प्रतिज्ञा सम्मेलन हमारा चल रहा है। इसका उद्देश्य जैसे सम्मेलन होता है ना, तो सम्मेलन का एक उद्देश्य है कि आगे आने वाला चुनाव है और चुनाव के मद्देनज़र सारे लोगों को एक स्वस्थ करना, संबोधन करना, उनको उनका कार्य देना। से है जहाँ कृष्णा नगर शहर से वीर मंदिर भगवान परशुराम की मूर्ति का अनावरण करने पहुंची, जहां लखनऊ की बेयर संयुक्ता भाटिया ने इस कार्यक्रम के दौरान बताया कि आचार संहिता लगने के कारण ये कार्यक्रम जल्दी किया गया। वहीं आगे महापौर ने कहा कि चुनाव आयोग आगे जो दिशा निर्देश देगा उसका पालन किया जाएगा। भगवान परशुराम की मूर्ति का आज अनावरण किया गया है लखनऊ में, जहां मेयर संयुक्ता भाटिया ने आज उसका शिलान्यास किया। मेयर संयुक्ता भाटिया ने कहा कि आज आचार संहिता लगने के कारण इस कार्यक्रम को जल्दी किया गया ताकि वहीं आगे महापौर ने कहा कि चुनाव आयोग आगे जो दिशा निर्देश देगा उसका पालन किया जाएगा। भगवान परशुराम जी की जो हम सबको प्रेरणादायी है, उनके कृतित्व को हम सबके प्रेरणादायी है जी। हम सब लोगों को हमारे आने वाली पीढ़ी को उनसे प्रेरणा मिले ऐसी मूर्ति और हमारे धर्म की आस्था की मूर्ति है, इसलिए हम इस मंदिर में उनकी मूर्ति का अनावरण होने जा रहा है जी। और आज इसका शिलान्यास यहाँ से किया गया, कल से यहाँ कार्य परशुराम जी की मूर्ति यहाँ पर लगेगी और सबकी आस्था भी। राजधानी लखनऊ में 68,500 सीटों पर सहायक शिक्षक भर्ती की मांग को लेकर अभ्यर्थियों ने विधानसभा का घेराव करके जबरदस्त विरोध प्रदर्शन किया। ये 68,500 सहायक अध्यापक शिक्षक भर्ती 2018 के अभ्यर्थी है जो लंबे समय से अपनी मांगों को लेकर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। प्रदर्शन में प्रदेश के विभिन्न जिलों से प्रदर्शनकारी शामिल हुए, जहाँ इनकी मांग है कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन करते हुए 26,000 पदों पर 68,500 शिक्षक भर्ती अभ्यर्थियों की भर्ती की जाए। प्रदर्शनकारी अभ्यर्थियों से हमारे प्राइम टीवी संवाददाता ने उनकी मांगों को लेकर खास बातचीत की। इस वक्त मैं मौजूद हूं लखनऊ के विधानसभा पे, जहां 68,000 सहायक अध्यापक शिक्षक अभ्यर्थियों का धरना चल रहा है
आइए इनसे बात करते हैं और जानते हैं। अच्छा हमारी मांगे पूरी नहीं हुई तो हम लोग जगह जगह आंदोलन प्रदर्शन करते रहे। 800-500 शिक्षक भर्ती में बचे हुए किन लोगों से मिल चुके हैं आपका? सचिव से मुलाकात हुई लेकिन मंत्री से ना संतरी ना सीधे मुख्यमंत्री से हम लोग मिलेंगे। हम लोग सीधे मुख्यमंत्री से बात करेंगे। मेरे ठीक पीछे विधानसभा है जहां ये अभ्यर्थी प्रदर्शन कर रहे हैं। अब तक ये सचिव से मिल चुके हैं और पुलिस के द्वारा इनको गिरफ्तार किया जा रहा है। आप देख सकते हैं कि इनको पुलिस की गाड़ी पीछे लगी हुई है जहां इनको गिरफ्तार करके किसी जगह ले जाया जाएगा, फिर इनको रिलीज किया जाएगा। इसी कड़ी में हम कुछ और लोगों से बात करने का प्रयास कर रहे हैं। अच्छा ये बताए किस मई 2018 लोगों की मांग है कि 30-33 पे योगी जी ने 26 मई 2018 को एक आदेश निकाला था शासनादेश की 30-33 में भर्ती की जाए, उसके बाद इन्होंने 40-45 पे निकाल दिया। अभी भी 26,000 पद खाली है लेकिन सरकार अपने बात को नहीं मान रही है। कहते हैं कि रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर बचन न जाए। सर सभी लोगों से मिल चुके हैं, हमारी मांगे केवल मुख्यमंत्री से, हमारी बातें मुख्यमंत्री से बस करा दी जाए, उनसे हाथ जोड़ के निवेदन है कि हमारी मांगों को वो पूरा कर दे। तो मेरे साथ अभी मौजूद थे 68,500 सहायक अध्यापक शिक्षक भर्ती के अभ्यर्थी हैं जो अपनी मांगों को लेकर आज विधानसभा के ठीक सामने प्रदर्शन कर रहे हैं। वहीं पुलिस बल इनको गिरफ्तार कर रहे हैं। मैं कैमरामैन से कहूंगा कि वो दिखाएं किस तरह यहां के अभ्यर्थियों को गिरफ्तार कर उन्हें एक जगह पे भेजा जा रहा है। शायद इन्हें इको गार्डन की तरफ भेजा जा सकता है और इको गार्डन की तरफ भेजा जा सकता है। वहीं अब ठीक पीछे आप देखिए कि अभ्यर्थियों में महिला समेत पुरुष भी मौजूद हैं और मेरे ठीक पीछे आप देखिए कि महिला पुलिस महिलाओं को गिरफ्तार कर रही है, वही पुरुषों को पुलिस जो है वो गिरफ्तार। 68,500 अभ्यर्थियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। इन लोगों का मांग है कि इन्हें नियुक्ति पत्र दिया जाए। कैमरामैन दीपक के साथ विधानसु प्राइम टीवी। खबर उन्नाव से है जहां नगर पालिका परिषद अस्थायी काना गौशाला में चारा पानी की कमी से गौवंश दम तोड़ रहे हैं, जबकि गौशाला में आज करीब 8 ज्यादा गायों की मौत का जिला प्रशासन में हड़कंप मच गया, जिसके बाद डीएम ने तत्काल एसडीएम सदर और एसडीएम को मौके पर भेजकर जांच रिपोर्ट तलब की। इस दौरान गौशाला में मृत गायों के साथ गंभीर अवस्था में कई गौवंश भी मिले, जिससे प्रशासनिक दावों की पोल खुलकर सामने आ गई है। जबकि जांच के लिए पहुंचे एसडीएम मामले की लीपापोती करते हुए कुछ गायों की मौत होने की बात कहकर अपनी जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ लिया। नगर पालिका परिषद उन्नाव के द्वारा गदनखेड़ा पे स्थित जो संचालित अस्थायी गौआश्रय स्थल है, तो यहाँ पे प्रातःकाल ये सूचना मिली कि कई गौवंश जो हैं वो अचेत अवस्था में पड़े हुए हैं। सूचना के साथ में ही यहाँ पे जो पशु चिकित्सा अधिकारी गण आए और उन्होंने गौवंशों को इस स्थिति में देख करके एग्जैक्ट संख्या अभी नहीं कहा जा सकती, उसमें कुछ पशु जो हैं उनकी सम्भवतः मृत्यु हुई है और कुछ जो है उनको उपचार के लिए यहाँ से ले गया। मिर्जापुर के नगर के केबी महाविद्यालय में आयोजित कार्यक्रम में करीब 2000 छात्र छात्राओं को लैपटॉप और स्मार्टफोन वितरण किया गया। इस मौके पर छात्राओं ने कहा कि सरकार की योजनाओं से हमें लाभ मिल रहा है, अब हमें पढ़ाई में दिक्कत नहीं होगी। गरीब परिवार में भी प्रतिभा है, उन्हें मौका मिलने के देश का विकास होगा। इस मौके पर करीब 2000 छात्राओं को आमंत्रित किया गया। वितरण समारोह में मजवा विधायक शुचिस्मता मौर्य, छानवे विधायक राहुल प्रकाश कोल, जिलाधिकारी प्रवीण लक्षकार और मुख्य विकास अधिकारी भी शामिल हुए। हमें तो बहुत अच्छा लग रहा है और सबसे पहले मैं अपने कॉलेज के प्रिंसिपल, टीचर्स और सारे स्टाफ्स को थैंक यू करना चाहूँगी, जिनके वजह से मुझे ये टैबलेट मिला है और जिसके वजह से मैं आज यहाँ तक पहुँच सकूँ। इसके बाद हम लोग को ऑनलाइन स्टडीज़ और ऑनलाइन एग्ज़ाम्स में भी बहुत अच्छा मतलब मौका मिलेगा कि करने का, कि अच्छा चीज़ हम लोग देखेंगे। पहले जो हम लोग को प्रॉब्लम्स होती थी अब शायद वो ना आए। आज यहाँ पर टैबलेट और स्मार्टफोन का वितरण किया गया है और आप सभी को जानकारी है कि राज्य सरकार की योजना है, तो इसमें हमने आज लगभग यहाँ पर 2000 छात्र छात्राओं को टैबलेट और स्मार्टफोन का वितरण किया है। और यहाँ पर इस कार्यक्रम में हमारे जनपद के जो जनप्रतिनिधि थे वो भी सभी उपस्थित थे और
ये जो वर्तमान में कोरोना के समय में ऑनलाइन जो शिक्षा हो रही है, ग्रहण की जा रही है बच्चों के द्वारा, उसमें उनके लिए काफ़ी उपयोगी सिद्ध होगा और इसी के दृष्टिगत रखते हमने ये यहाँ पे आज कार्यक्रम संपन्न कराया। खबर उन्नाव से है जहां फतेहपुर चौरासी थाना क्षेत्र के गोपालखेड़ा गांव में घर से काम के लिए निकले युवक का शव मिलने से सनसनी फैल गई। खेतों पर पहुंचे किसानों ने मृतक का शव देखकर परिजनों और पुलिस को सूचना दी। वहीं मौके पर पहुंची पुलिस मामले की जांच करने में जुट गई है। आज दिनांक 8/1/2022 को थाना फतेहपुर चौरासी जनपद उन्नाव में यह सूचना प्राप्त हुई कि एक व्यक्ति का शव पीत नहर रोड के किनारे खेत में पड़ा हुआ है। इस सूचना पर थाना फतेहपुर चौरासी पुलिस मौके पर पहुंची और शव की शिनाख्त कराई गई, तो शव संतोष पुत्र लीला लोध निवासी भोपाल खेड़ा थाना फतेहपुर चौरासी की पाई गई, जिसकी उम्र लगभग 30 वर्ष थी। शव को कब्जे में लेकर के और पोस्टमार्टम कराने हेतु पंचनामा भर के भेजा गया और अन्य इसमें विधिक कार्रवाई अमल में लाई जा रही है। खबर बदायूं से है जहां वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के निर्देशन में चोर गैंग के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत चेकिंग के दौरान मुखबिर की सूचना पर थाना सिविल लाइन पुलिस ने दो चोरों को गिरफ्तार किया, जिनके कब्जे से 4 मोटरसाइकिल और 2 कार बरामद की है। खबर मैनपुरी से है जहां कोतवाल थाना क्षेत्र में नगला कडड्डी में रहने वाले एक युवक की व्हाट्सएप वीडियो कॉल के जरिए अश्लील हरकत करके युवती को परेशान करने वाले आरोपी को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया गया, जिसके कब्जे से पुलिस ने एक मोबाइल फोन बरामद किया है। सहारनपुर पुलिस को समय बड़ी कामयाबी मिली जब सहारनपुर की थाना बेहद पुलिस ने एक अवैध हथियारों की फैक्ट्री का भंडाफोड़ किया और मौके से 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है। बेहद सीओ रामकरण सिंह ने बताया कि गंदे वण रोड पर कस्बे के पास सिंचाई विभाग के खंडर में चलाई जा रही एक फैक्ट्री के हथियार बनाए जा रहे थे और अवैध हथियारों की फैक्ट्री का भंडाफोड़ करते हुए शातिर को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। पुलिस ने मौके पर 2 बंदूक, 4 तमंचे, 5 अधबने तमंचे, कारतूस एवं हथियार बनाने के उपकरण बरामद किए हैं। खबर मैनपुरी से है जहां युवती को परेशान करने वाले युवक को गिरफ्तार किया है, जहां उसके कब्जे से मोबाइल फोन भी जब्त किया गया है। जहां एक युवक युवती को परेशान करने वाला युवक मैनपुरी से गिरफ्तार किया गया है, जहां उसके कब्जे से मोबाइल फोन को भी जब्त किया गया है। कई दिनों से युवक युवती को परेशान कर रहा था, जिसके चलते युवती ने मामला दर्ज कराया था, जहां मामला दर्ज कराने के बाद से युवती को परेशान करने वाला युवक गिरफ्तार हुआ है। सहारनपुर पुलिस को उस समय बड़ी कामयाबी मिली है जब सहारनपुर की थाना बेहट पुलिस ने एक अवैध हथियारों की फैक्ट्री का भंडाफोड़ किया और मौके से 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है। बेहट सीओ रामकरण सिंह ने बताया कि गंदेवड़ रोड पर कस्बे के पास सिंचाई विभाग के खंडर में चलाई जा रही एक फैक्ट्री से हथियार बनाए जा रहे थे और अवैध हथियार की फैक्ट्री का भंडाफोड़ करते हुए शातिर को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। पुलिस ने मौके से 2 बंदूक, 4 तमंचे, 5 अधबने तमंचे, कारतूस एवं हथियार बनने के उपकरण बरामद किए हैं। श्रीमान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक सहारनपुर के निर्देशन में अपराध एवं अपराधों की रोकथाम के हुए टीम गठित की गई थी, जिसमें मुखबिर द्वारा सूचना मिली कि सिंचाई विभाग के खंडर थाना बेहट के पास कुछ लोग जो है अवैध तमंचे बना रहे हैं। इस सूचना पर विश्वास करके वहां पर हमारी मौके पर टीम गई, जहां से उन्होंने करीब 6 असलहे बने हुए प्राप्त हुए तथा उसकी सामग्री फैक्ट्री की प्राप्त हुई, जिसमें से 2 तमंचा जो है 315 बोर, 2 12 बोर और 2 बनी बंदूकें प्राप्त हुई हैं तथा 5 अधबने तमंचे भी प्राप्त हुए तथा उसके बनाने के उपकरण बरामद हुए हैं। इन लोगों को गिरफ्तार किया गया है, गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय के सामने भेजा जा रहा है।
उत्तर प्रदेश की अब तक की खबरों में फिलहाल बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी। नमस्कार। कुछ भाव पुष्प आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।